आज का जो डिसीजन था मतलब व्लॉग बनाने का बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इट इज बेसिकली अ नॉलेज ट्रांसफर, केटी दी जाएगी। शूटिंग कंप्लीट। क्या करने आता था तो शाम को यहाँ पे बिहाइंड द सीन। चल अंदर। रेडी, डन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज है संडे एंड आज का जो डिसीजन था मतलब व्लॉग बनाने का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऑल दो मैं संडे को अवॉइड करता हूँ कि व्लॉग ना बनाऊँ, आज का जो मेरा बेसिक मोटिव है आज का व्लॉग बनाने के लिए संडे वाले दिन, वो एक मेरा स्पेशल दोस्त है। उसका नाम है विनय, विनय भार्गव। मतलब कनाडा शिफ्ट हो गया था, मतलब माइग्रेट कर गया था वो वहाँ पे, एंड अब वो घर आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके साथ एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बना लिया जाए। तो ये आज का ब्लॉग जो है वो कोई सेलिब्रेशन या फिर हमारा गर्दी वाला ब्लॉग नहीं होगा। आज का ब्लॉग होगा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा, एंड इतना स्पेशल ब्लॉग होने वाला है ना, क्योंकि जो मैंने थीम सोची है जिस वे में कि मैं ऐसे ऐसे शूट करूँ एंड ऐसे ऐसे उससे क्वेश्चन पूछूंगा, कि मतलब एक इट इज़ बेसिकली अ नॉलेज ट्रांसफर, केटी दी जाएगी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने प्रिपेयर करे हैं उसके लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा माइग्रेट कर रहा है, नॉट इवन मतलब सिर्फ कनाडा में नहीं, किसी भी कंट्री में अगर माइग्रेट कर रहा है, तो कौन कौन से बेसिक एवरेज क्वेश्चंस हैं मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बातें बहुत हो गई, उसे कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आ जा भाई, थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं, बेसिकली एक तरह से कन्वर्सेशन होगी मेरे और मेरे भाई की, जिसका नाम है विनय, एंड उसे मैंने कॉल करके बुला लिया था एंड वो आ चुका है अब। विनय, क्या हाल है? बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन था कि देर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी डिसीजन टू माइग्रेट, उसमें तेरी क्या स्टोरी थी, मतलब तूने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि तुझे माइग्रेट ही होना है? तो अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं तो बेसिकली मेन पॉइंट जो मेरा था वो था कि जैसे मैं एफएमसी जालंधर से ग्रेजुएट हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी वहाँ पे। उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लग गई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया की। तो जब मैं वहाँ पे गया तो जो मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो मैंने सोचा था कि मैं 4 साल जिस चीज़ में मैंने पढ़ाई की है मेरी वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मैं कंपनी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे वो फील नहीं हुआ। मैं जब कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर देवर पेइंग मी, मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही थी, वो एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट भी काम कर रहा था मेरे नीचे, सेम काम कर रहा था। अच्छा, मतलब कि तेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग तुझे वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी नहीं? मैं इसको स्टेटस नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि जो मेरी एजुकेशन है उसके बेसिस पे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी वहां पे नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरा मिसयूज नहीं बोलूंगा, मेरा अंडर यूज हो रहा था, अंडर यूज किस वे में, मतलब मेरी स्किल्स का अंडर यूज हो रहा था, क्योंकि जो मैं कंपनी को दे सकता था मेरी डिजाइनिंग स्किल्स के ऊपर, मेरे ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस के ऊपर, वो सब मेरे लिए नहीं था। यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है जिसमें मैं ग्रो कर पाऊँगा। तो मतलब तो माइग्रेट होने का ये रीजन था कि मतलब जैसे तूने स्टडी करी है तू वैसा काम तुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो तू हाँ, तो मुझे था कि अब अगर हर जगह ऐसा ही है तो मैं और स्टडी करता हूँ, अपने आप को एक पर्सनलाइज फील्ड में डालता हूँ, एक स्पेशलाइजेशन लेता हूँ अपनी एजुकेशन में, ताकि फिर मैं उसी डायरेक्शन में ग्रो कर सकूं, मैं डायरेक्शन से डेविएट ना करूं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो उसके बाद मैंने जब अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू किया इंडिया में और बाहर, तो जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि बाहर की अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ज्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि इंडिया में, मैं ये नहीं बोलता कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और पर्सनली मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता था कि 4-5 साल बैठ के तैयारी करता रहूं और उस रिस्क में मतलब अपने आप को देखूं कि मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो इसलिए मैंने इसको इजी वे आउट बोलो या फिर इसको एक अलग डिफरेंट काइंड का रिस्क बोलो, इसीलिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी थी मुझे लगता है, इसीलिए मैंने माइग्रेट होने के लिए डिसाइड किया। अच्छा, तो मतलब इसका जो बेसिक रीजन था वो पैसा नहीं था, वो था नॉलेज को इंक्रीज करना और अपने स्किल्स को जो हमने टाइम इन्वेस्ट करा है यहाँ पे उसे यूजफुल जगह पे लगाना। तो आपने पहला क्वेश्चन सुना, तो उसका बेसिक रीजन था इसका कि मतलब माइग्रेट करने का कि एक नॉलेज, दूसरा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा इसका बेसिक मोटिव था ही नहीं कि ये वहां जाके पैसे छापेगा फिर यहाँ घर पैसे भेजेगा, वो बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ जो मोटिव था जो मुझे समझ आया अभी तक क्वेश्चन में से वो ये था कि स्टडी
नॉलेज, दैट्स इट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है विनय कि तूने मतलब कि कनाडा ही चूज क्यों करा, कोई और मतलब कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज करी, जैसे जर्मनी वहां पे फ्री एजुकेशन मिलती है, या फिर सिंगापुर, या फिर कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज करी। तो जब मैं यूनिवर्सिटीज चूज कर रहा था तो सबसे पहला मतलब वही बेसिकली तीन फैक्टर्स आते हैं इसमें। पहला फैक्टर था कि हाउ मच मनी आई गॉट, कितने पैसे मेरे पास हैं, कितने पैसे मैं रिस्क ले सकता हूँ। सेकंड था कि व्हाट इज द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड थिंग थी कि मतलब मैं कितना कंफर्टेबल होऊंगा वहाँ पे जाके, और कितना टाइम मुझे लगेगा कंफर्टेबल होने में। बी एड की वहाँ की लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है, बी एड वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना होता है। तो ये तीन फैक्टर्स थे, मनी सबसे पहला फैक्टर था। हाँ। दूसरा फैक्टर था कि मैं कैसे वहाँ पे सर्वाइव करूँगा, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है या फिर कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर तो नहीं है। अच्छा। थर्ड, वहाँ पे एक इमिग्रेंट का स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे किस तरीके का इमिग्रेंट स्टेटस हमें मिलता है, और लॉन्ग टर्म अगर हम सोचे तो वो क्या मतलब कन्वर्जन रेट है उस स्टेटस का, मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव को सोच के भी। हाँ। मतलब तूने कनाडा मतलब। हाँ, तो मैंने तीन कंट्रीज को अपने लिस्ट में डाला था। सबसे पहला था जर्मनी सबसे टॉप था, सेकंड था कनाडा, और थर्ड था यूनाइटेड स्टेट्स, यूके। जब मैंने जर्मनी को देखना शुरू किया तो जर्मनी में शोभित ने ऐसा आपको बताया कि कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फीस नहीं होती। अच्छा। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में फीस भरते हो तो ट्यूशन फीस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर पेइंग टू द यूनिवर्सिटी। Other than that, you have miscellaneous charges, you have social activity fund, you have book fund, you have like extracurricular activities, you have examination fees. ऐसे जैसे हमारे स्कूल में ये नहीं होता था कि एनुअल फंक्शन हो रहा है उसके लिए फीस पे करनी है तुम्हें, तो ये भी मतलब एक फंक्शन हो गया। हाँ, तो और जर्मनी में जो यूरो चल रहा था ये एक फैक्टर था जिसमें कि वो कंपेरेबल था बाकी दोनों कंट्रीज के भी। तो वो सब कॉस्टली था वहाँ पे जर्मनी में? कॉस्टली नहीं था, कंपेरेबल था कनाडा और यूएस के, ट्यूशन फीस जीरो होने के बाद भी। लेकिन उसके बाद एक चीज जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो था कि जर्मनी में आपको एजुकेशन के बाद सिर्फ 18 मंथ्स के लिए एक परमिट मिलता है जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे तुम्हारी स्टडी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे पास सिर्फ डेढ़ साल है कोई जॉब फाइंड करने के लिए, और अगर आपको जॉब मिलती है तो फिर आपको कंपनी को स्पॉन्सर करना पड़ता है वीजा, अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है तो। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा फैक्टर जर्मनी को ना चूज करने का था सबसे बड़ा, वहाँ पे लैंग्वेज आपको जर्मन आनी चाहिए, जर्मन B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, आप किसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज जर्मन है, आपको एज एन इमिग्रेंट आपके पास मतलब प्लेथोरा ऑफ मनी तो है नहीं, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, काम करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। अगर आपको वहाँ पे लोकल स्टोर्स में काम करना है और वहाँ के लोकल लोग सब जर्मन है तो वो जर्मन ही बोलेंगे, तो फिर जर्मन। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। लो इस फैक्टर था जो मैंने नहीं लिया। उसके बाद जब मैंने US को देखना शुरू किया तो US वॉज वे आउट ऑफ लाइन, बिकॉज द यूनिवर्सिटी फीस वॉज स्काई रॉकेटिंग टू लाइक 100K और मोर। मतलब USA में फीस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अगर हम और कंट्रीज को देखें, अगर कोई बंदा वहाँ पे स्विच होना चाहता है तो। US में सबसे पहली बात फीस बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा कनाडा में कम है, कनाडा में भी कंपेरेबल फीस है, लेकिन US में जीरो वीज़ा पॉलिसी है। तो अगर आपकी एजुकेशन आज ख़त्म हुई है तो आज के बाद आपके पास सिर्फ 3 weeks हैं, 3 हफ्ते। अगर आपकी जॉब लगती है उन 3 weeks में तो ठीक है, अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। तो मतलब कि जर्मनी में तुम्हें 1.5 साल मिलता है, USA में तुम्हें 3 हफ्ते मिलते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज तो थर्ड उसमें यूके में क्यों नहीं गया फिर तू? यूरोप में भी सेम ही चीज़ है। यूरोप में एक तो एजुकेशन फीस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उसके बाद सबसे मेन फैक्टर मेरा यूके ना चूज करने का सिर्फ एजुकेशन फीस था। कितनी ज्यादा थी तो कंपेयर करके बता सकता है कि अगर कनाडा में 100 रुपए हम पे कर रहे हैं तो वहाँ पे यूके में जर्मनी में कितने? अगर हम इंडिया में 1 रुपया पे कर रहे हैं तो हम कनाडा में 50 रुपये पे कर रहे हैं। हम US में 80 पे कर रहे हैं। हम UK में अराउंड 500 पे कर रहे हैं। 500 रुपये, 1 रुपये के 500 रुपये? अबे नहीं यार, सच में भाई, ये तो मैं सच्ची महंगा में पर्सनल में होता हूँ।
पर सेमेस्टर पर टर्म और एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? चार महीने का हमारे यहाँ, जैसे 6 महीने का होता था वहाँ, 4 महीने की फीस कितनी है? 15 से 20 लाख का। ये सब रूल आउट हो गए कनाडा का इसलिए क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो आपके पास 3 साल हैं। नेटिव लैंग्वेज मतलब मोस्टली इन कनाडा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा हाँ, ये और ठीक था। बाकी इमिग्रेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो एक होमली फील आती है थोड़ा, मतलब रहता है कि हाँ कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल जाती है किसी ना किसी की, तो रहता है कि चलो कोई है जान पहचान का, भी प्रॉब्लम होती है। तो हमने दोनों क्वेश्चन पूछे, अब मतलब मुझे सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा मजा आया क्योंकि जब उसने कंपैरिजन करा ना इंडियन रुपी के एक हिसाब से, वो ज्यादा सेक्सी था। बाकी जो अपने और क्वेश्चन रहते हैं वो हम कहीं और शूट करेंगे क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें, तो हम एक जगह बैठ के शूट नहीं कर सकते, तो फिर बाद में मिलते हैं आपको दूसरी शूट पे। शर्मा रहा है। तो हमारा दूसरा जो स्लॉट था मतलब क्वेश्चनों का पूछने का, वो था जर्नी के ऊपर बेस्ड। अब जर्नी के ऊपर बेस्ड है, वॉक करते हुए पूछ सकता था, किसी भी वे में मतलब मैं पूछ सकता था, तो मैंने डिसाइड करा विनय के साथ मिलके, प्रखर ने विनय के साथ मिलके मैंने डिसाइड करा कि गाड़ी में बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट जर्नी का मतलब जर्नी भी हो जाएगी एंड क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाएंगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था विनय के लिए वो जर्नी के ऊपर बेस्ड है, बाकी जो 2 क्वेश्चन मैं इससे पूछने जा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है विनय कि माइग्रेशन कैन बी हार्ड, वेयर डिड यू फाइंड स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स? हाँ चली जाइए, ले बोल, हाँ बोल कोई नहीं। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था माइग्रेशन का, वहाँ पे जाके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फर्स्ट 7 डेज मेरे निकलेंगे, कैसे मुझे सर्वाइव होना है, वहाँ का डिफरेंट कल्चर कैसा है, मुझे वहाँ से स्ट्रेंथ कैसे मिली? मतलब एक तो तेरा फ्रेंड्स हो गया कि हाँ चल वहाँ पे तेरे दोस्त हैं तो तू इजीली वहाँ पे रह सकता है ना। दूसरा रीजन क्या था कि तेरा, कि दूसरा रीजन ये भी हो सकता है इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तुझे रहना तो पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन है ही नहीं तेरे पास। एक मतलब बेसिक कोट है जिससे मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो मतलब हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करता है मेरे को, उसका वो बोलते हैं कि यू हैवंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। हाँ मतलब तुम यहाँ, इसका मतलब ये है कि तुम इतना दूर, सिर्फ इतना दूर आने के लिए नहीं आए हो, तो जब भी ये चीज मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा और, तो इस चीज से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, काफी लॉजिकली आंसर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक दैट माइग्रेशन हैज चेंज्ड विनय? हाँ विनय, कितने कैसे लगता है कि माइग्रेशन तुझे चेंज कर दे प्रॉपर्ली? पर्सनली मुझे माइग्रेशन ने चेंज किया है कि नाउ आई हैव लर्न टू लिव बाय मायसेल्फ, मुझे इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे तो अकेला रहना आ गया है। तो हॉस्टल में भी रहता था? मैं हॉस्टल में अकेला रहता था लेकिन हॉस्टल में जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की वो मुझे प्रोवाइडेड थी। अच्छा। जैसे मेरा रूम वो खुद साफ करके जाते थे, मुझे मेस में खाना मिल जाता था टाइम टू टाइम, मुझे बस पढ़ाई करनी थी वहाँ पे। लेकिन NIT जालंधर में, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मुझे जाके पता लगा कि यहाँ पे मुझे कमाना भी खुद पड़ेगा, पढ़ाई भी खुद करनी पड़ेगी, मुझे अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपना खाना, अपना रहना सहना सब कुछ मुझे खुद करना है। तो 2-3 दिन मैंने जला हुआ खाना खाया क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद जब कोविड ने सब कुछ ही बंद कर दिया तो फोर्सफुली आपको अंदर ही रहना पड़ा और बनाना पड़ा, तो वहाँ से मुझे मतलब इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई ना बोल सकता हूँ, तो इसीलिए माइग्रेशन ने मुझे चेंज किया। ये तो चल ठीक है, ये मतलब मैं एग्री करता हूँ कि तू मतलब माइग्रेशन की वजह से कि तू इंडिपेंडेंट हो गया, बट ये तो तू हॉस्टल में भी सीख चुका है 4 साल, तो वैसे क्या चेंजेस आए तेरे अंदर माइग्रेशन का? सबसे मतलब बहुत बड़ी चीज अगर देखा जाए तो मतलब तू ऐसा नहीं है कि तू मतलब नोएडा से दिल्ली जा रहा है या दिल्ली से बैंगलोर जा रहा है, तो इंडिया से किसी और कंट्री में जा रहा है, तो वैसे तुझे अगर तू 1-2 पॉइंट में आंसर देना चाहे तो वैसे कैसे चेंज करा तुझे इंडिपेंडेंट के अलावा? सो सबसे पहला पॉइंट होगा कल्चरल डिफरेंस, जो कि मुझे वहां पे जाके मैंने सीखा है और डिफरेंट कल्चर सीखे हैं, तौर तरीके सीखे हैं, वहां पे मैंने अपने आप को एडजस्ट किया जो कि यहाँ पे मैं नहीं कर सकता चाह के भी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था, वहां पे जाके एडजस्ट करना, अपने आप को एक बार बोलने से पहले सोचना कि ये लोग इसको कैसे परसीव करेंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती जो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि एक रिलीजियस फैक्टर होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फर्क होता है, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिथ्स होती है जिसपे हम बिलीव करते हैं लेकिन वो लोग नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे मतलब माइग्रेशन में थोड़ा था कि हाँ ये कैसे मैं फेस करूँगा। तो तू अब हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है? मैं पहले भी हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था। तो हमारा जो थर्ड सेक्शन था वो था होप्स और रियलिटी के ऊपर, तो उससे उसके बेसिस पे 1 से 2 क्वेश्चन है जो मैं विनय से पूछना चाहूँगा। विनय कहाँ पे? ये रहा। अपने बिगेस्ट चैलेंजेस बता। सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है कि
जब रियलिटी हिट करती है ना, इट्स 12 o'clock आपका बर्थडे, आपने हमेशा ऐसे सेलिब्रेट किया है कि आपके घर आपके फ्रेंड्स आते थे, हॉस्टल में आपके बहुत सारे दोस्त होते थे, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ प्रिपेयर करती थी, और आप बस लेटे हुए हो क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से आपका बर्थडे किसी कंट्री में है किसी कंट्री में नहीं है, जहाँ पे आप हो वहाँ पे हो गया, लेकिन जहाँ पे आप पहले रहते थे वहाँ पे वो आके जा चुका है, तो बहुत लोनली फील करता है टाइम्स पे। अच्छा, और बर्थडे टाइम्स पे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मतलब आप कभी ना कभी तो घर का खाना मिस करोगे ही, कब तक बाहर का खा लोगे, खुद हॉस्टल में भी करते थे जैसे, हॉस्टल में भी करते थे जैसे, हॉस्टल में भी बाहर जाके खा लेते थे, लेकिन इंडिया और किसी और कंट्री में डिफरेंस ये है कि आप घर का खाना तो मिस करते ही हो, आप इंडिया का स्पेसिफिक अपने जगह का खाना भी मिस करते हो, स्पाइसेस मिर्चें उस तरीके का टेस्ट नहीं आता, अनहाइजेनिक। इवन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर सिक हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, क्योंकि आप इतना दूर हो कि आप बस वीडियो कॉल पे अपने जो बीमार है उससे तो बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, तो आप बाकी सबसे पूछ रहे होते हो कि तबीयत कैसी है क्या है, इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता इतना, क्योंकि कहीं पे आपके पास दिन है वहाँ पे रात है, तो आप सेम फील नहीं कर रहे हो, कभी कभी आप डिप्रेस फील करते हो, लेकिन कहीं पे दिन है तो लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो फैमिली इस तरीके से कनेक्ट नहीं रह पाती, बाकी अपने बस पेरेंट्स की हाल चाल तुम फ़ोन पर पूछ रहे होते हो हमेशा कैसे हो, तो घर वालों को होता ही है इंडिया में पेरेंट्स कैसा कि वो छिपाते हैं, वो कभी सच्चाई बताते नहीं है कि हाँ मतलब कैसे फील कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, हमारी हेल्थ ठीक है, हम सब बढ़िया, तू बस अपना ख्याल रखियो, तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब एक डिस्क्रिपेंसी होती है, सब अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम मतलब मेनली मैन और मतलब माँ भी ऐसे हमेशा यही कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ तो चिंता मत कर, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब आप वापस आते हो घर पे उन सबसे मिलने 1-1.5 साल बाद, तो पता लगता है कि कितने बीमार थे, कोई कितना हॉस्पिटल में था, कल ही वैसे मेरी दीदी मेरे को बता रही थी कि हमने तुझे बताया भी नहीं, पर तेरी जब मम्मी बीमार हुई थी मेरे से लास्ट ईयर, तो दीदी बता रही थी कल की वो 15 दिन वेंटिलेटर पे थे, पर मुझे मेरे ख्याल में कभी बताया ही नहीं कि मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे थी, तो ये मतलब एक होता ना कि मतलब कम्युनिकेशन डिफरेंस हो जाता है, गैप आ जाता है, ताकि आप परेशान ना हो, तो फिर वो तुझे परेशान भी नहीं देखना चाहते, तो मतलब वो कन्वे नहीं करना चाहते वो चीज़। और डिस्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप उस डिस्टेंस को कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते, अगर आप एक बार घर छोड़ के चले गए हो तो मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम घर छोड़ के चले गए, आप घर छोड़ के गए हो, आप अपना परिवार वहाँ पे छोड़ के गए हो, आप अपने फ्रेंड्स सारे वहाँ पे छोड़ के गए हो, आप अपनी सारी मेमोरीज वहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, नई जगह पे जाके सब कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी एडजस्ट करना, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से हिट बैक करती हैं कि ओ हाँ मैं इस टाइम पे उस टाइम पे ये कर रहा था, मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, लेकिन अब कोई है ही नहीं, तो हाँ डिस्टेंस एक बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है, जिसकी वजह से होम सिकनेस फील होती है और लोनली फील होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बंदियों से बात नहीं हो पाती। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब कि उनकी बंदियाँ चली जाती हैं, अब वहाँ दिन हो रहा है यहाँ रात हो रही है, तो बात ही नहीं कर पा रहे। मेन मोटिव क्या भाई, शादी वादी करके वहीं से आएगा, इसने इंडिया में शादी करनी नहीं है, हमने इसे बता दिया है कि अगर तूने बाहर शादी करनी है तो तुझे टिकट का खर्चा तो देना ही पड़ेगा यार। हमारा जो 14th सेक्शन था वो था एडवाइस के ऊपर बेस्ड, तो मैंने सोचा अगर इसे कोई एडवाइस भी देनी है तो क्यों ना, मतलब मंदिर से अच्छी जगह कोई भी नहीं है, मतलब मंदिर में बैठ के ये एडवाइस देगा भी ना तो ज़्यादा और बेटर एम्फसाइजेशन आ जाएगा। गीता पे हाथ रख के कसम खिला, वही वाला सीन हो जाएगा, गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाला। तो बता कि अगर कोई दूसरे कंट्री में जाना, मतलब अगर कोई दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है फिर जा रहा है, तो वो खुद में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वहाँ पे जाने से पहले, अगर कोई प्लानिंग कर रहा है मतलब कनाडा जाने की, तो वहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, नॉट ओनली इन कनाडा मतलब किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो कनाडा में कनाडा में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, तो अगर हम जा रहे हैं सबसे पहले हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए लोग मिलेंगे, तो एक मतलब जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको वहाँ पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गए और बस सारे इंडियंस ही हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे हो। अच्छा, तो ये हमें मतलब हम पहले से माइंड मेकअप करके चले कि ऐसे लोग मिलेंगे, हाँ, तो हमें ऐसे ऐसे एडजस्ट करना, हाँ, हमें ऐसे ऐसे एडजस्ट करना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अनलर्न करनी पड़ती है, जैसे कि हम यहाँ पे हंसी मजाक में किसी को कुछ बोल देते हैं तो हमें वहाँ पे जाके एक बार सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि ये एक इंसल्ट तो नहीं ले रहा ऐसा इंसल्ट, क्योंकि हम तो ऐसा जोक ही बोल रहे हैं, बट कोई कोई लोग सोचते हैं ना कि ये मतलब मेरी इंसल्ट है, ये मुझे इसने गलत वे में बोल दिया, तो मतलब बोलने से पहले वहाँ पे सोचना पड़ेगा। थर्ड चीज़ होती है जो लैंग्वेज डिफरेंस होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, बाकी लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज भी कुछ और होती है। तो 9th क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द टू और थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट पीपल कुड डू टू मेक द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू अ न्यू कंट्री बेटर, तो उसका आंसर विनय देगा कि ऐसी कौन सी 2 से 3 चीज़ें हैं कि उस प्रोसेस में अगर तुम कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे हो तो उसे और बेहतर कैसे कर सकते हो।
सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि जितना प्रिपेयर हम कर सकते हैं अपने आप को उतना प्रिपेयर करें जाने से पहले मतलब रिसर्च करें। प्रिपरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, आप किस सिटी में जा रहे हो, उस सिटी में, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो हम वहाँ पे रहेंगे भी जाके, तो वहाँ पे दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक अच्छा एरिया होता है एक बुरा एरिया होता है। बुरा एरिया इन सेंस की जहाँ पे आप लोग रहना प्रेफर नहीं करते, जैसे शोर शराबा ज़्यादा है, वो यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, वो मार्केट के पास नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं रहते या फिर वहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं रहते, वहाँ पे मतलब थोड़ा अलग कल्चर है, मतलब खुद के लोग रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्लब्स वगैरह ज़्यादा है, जाने से पहले जगह देखनी पड़ेगी प्रॉपर कि जहाँ तुम रह सकते हो। हमें जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी ना कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे कहाँ जाके रहें कि वो इजी हो। तो अगर हम एज अ प्रोफेशनल जा रहे हैं तो हमारे ऑफिस के पास कौन सी जगह है जहाँ पे हम रह सकते हैं ताकि इजीली कम्यूट कर सकें। अगर हम स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी के कितना पास रह सकते हैं, या फिर हम किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किसी पार्क के पास, किसके पास ज़्यादा रह सकते हैं, किसी फैमिलीज के पास ज़्यादा रह सकते हैं, ताकि हमारा जो ट्रैवल है और हमारा जो स्टे है वो सेफ रहे। दूसरी चीज़ कि हमें जो कन्वर्जन है मनी का, उसको हमें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि जब मैं इनिशियली गया था तो मुझे लगता था कि यार मैं ब्रेड लेने गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ $3 की ब्रेड अगर मैं तो कन्वर्ट करूँ तो ₹200 की ब्रेड, तो मैं ₹200 की ब्रेड करके खाऊंगा। लेकिन मतलब अगर आप वहाँ पे हो और हर चीज़ डॉलर्स में है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे रहना तो आपको खाना भी पड़ेगा। यार अगर मैं गया कभी लकीली तो मैं तो कहूँगा अच्छा $3 मतलब ₹3 खर्च कर रहा हूँ, मैंने कहा तू शॉर्ट है यार। हाँ तो यही मेंटालिटी आगे जाके आ जाएगी, फिर आपको मतलब समझ आ जाएगा कि $3 देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन $3 टू ₹3, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो आप डॉलर्स में वेस्ट मतलब उसको स्पेंड कर सकते हो। हाँ तो दूसरी चीज़ ये मनी मैटर्स से मोस्ट वाली बात होती है, हमारा कन्वर्जन तुम्हें अब अपने माइंड में बिठा लेना है, ऐसा नहीं कि हर समय तुम 60 या 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि अच्छा मैं इतने ₹500 दे रहा हूँ। हर चीज़ कोई है तो अगर हर चीज़ दोबारा से ये आई कि अपने एक्सपेंसिस पे इस तरीके से कंट्रोल लगाना है कि अगर हमें इमरजेंसी में कहीं पे, क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे फ्रेंड्स हमारा सब कुछ मतलब एक दूसरी कंट्री में, और हम कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए इमरजेंसी के लिए कोई किसी के पास फंड नहीं है, ना कोई हमें सपोर्ट करने के लिए, हम इंडिपेंडेंट बन के जा रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस इस तरीके से होने चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट एक बार का इमरजेंसी का आने जाने के टिकट का खर्चा हो, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए एकदम से कहीं से कुछ भी और हमें घर जाना पड़े तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम सीधा बस सभी के तभी टिकट कराएं और अगली फ्लाइट से उड़ जाएं अपने घर। मतलब ये तो सच्ची जनरल रीज़न कि इमरजेंसी में तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए 2.5 से 3 लाख रुपये कि तुम आ जा सको। तुम्हारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का वो यही है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने इससे नहीं पूछी, बट ये अपनी साइड से अब इधर देखना, हाँ ये अपनी साइड से आंसर देना चाहेगा कि क्या डू डोंट्स, मतलब ये सारा ओवरव्यू देना चाहेगा जो मैं क्वेश्चनों में नहीं पूछ पाया वो ये बता देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो शोभित ने मिस कर दी या फिर हमने डिस्कस नहीं किया, मुझे लगता है कि वो एक टॉपिक है डिस्कशन का, वो होता है कि हमारा गोल, क्योंकि अगर हम इस कंट्री से मूव हो रहे हैं किसी और कंट्री में तो हम एक गोल लेके मूव हो रहे हैं कि हाँ हमें अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म गोल हमारा ये है कि हमें ये करना है, लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर एटलीस्ट ये करना है, वापस आना है या कुछ भी करना है, वहाँ पर सेटल होना है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक गोल होता है जो हमारा, अगर तुम जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं एक साल के लिए जाओगे दो से चीज करने जाते हैं, कि आप डाइवर्ट मत हो, मतलब अगर तुम पैसे कमाने जा रहे हो तो यार देखो पैसे कमाओ, अगर तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो 1-2 साल। मतलब तूने उस पीरियड में जॉब भी नहीं करी थी? मैंने उस पीरियड में जॉब की थी, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी के टीचिंग असिस्टेंट की जॉब थी, तो मेरी पढ़ाई से अलाइन थी। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप बाहर जाके जॉब ना करो, आप करो, आप अपना लाइफ स्टाइल उस तरीके से रखो कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स ना काम करना पड़े अपने लाइफ स्टाइल को सूट करने के लिए। आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि आप पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे रहे हो और जो आप काम कर रहे हो उससे आप आराम से रह सकते, आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करो। मतलब पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ो, कमाने जा रहे हो तो कमाओ, सिंपल सॉर्टेड है। हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है फाइनली, हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा सीखा, बाकी साले हंस रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं। लगा मैं फॉरेन में हूं। हां जल्द फॉरेन ही चल रहे हैं, रुक जा। शूट कंप्लीट, सारा कुछ कंप्लीट करके घर पे आ चुके हैं, एंड टाइम 5। काफ़ी अच्छा रहा शूट, काफ़ी मज़े आए, क्योंकि बहुत टाइम से प्लान था ये शूट करने का, एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाना था मुझे और कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना। कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, विनय भी देखेगा ब्लॉग, शेयर करेगा तो मे बी उसे कुछ लगे हाँ जेन्युइन चीज़ पूछ रहा है तो वो रिप्लाई ज़रूर करेगा 110%। तो ऐसे मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, देखते रहिए वन एंड ओनली शोभी शर्मा ब्लॉग्स। अरे फिर वो चीज होगा ना, कुंडा की रखना है। देखो आवाज कैसी आएगी इसमें। अभी चल गया ना रिकॉर्डिंग? हाँ 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 अभी चल रहा है। रुक जाओ अभी यार, देख ले पार्क में रुक सकते हैं हम। अच्छा चल यहाँ रोक, गाड़ी रोक के लिए चलानी क्यों है। हाँ तो रोक ले चल। डिफिकल्ट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मतलब इजीली आंसर दे सकता हूँ। बिहाइंड द सीन ये ना प्रखर बोल रही है हमारी गाड़ी, ये रहा हमारा मंदिर। सही है फ्रेम है ना यार, मैं अपने एयरपोर्ट से ज़्यादा इजीली आवाज में। सेकंड थोड़ा पास ले आऊँ, चला जाएगा ये निकल गया तो तू भी चल चल अंदर। ऐसे ऐसे करना पड़ता शूट के लिए। हाय भाई, हमारा बचपन का पार्क है ना, वीडियो चल रही है। चल रही है। हाँ और बता मैंने कुछ याद आया इस पार्क से? बहुत क्या करने आता था यहाँ पे शाम को, शाम को यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ के साथ क्या कराटे टाइकोंडो टाइकोंडो कुछ अलग ही जगह होते थे। कहाँ पे होता था? यहाँ पे सीखता था ना तू? आज यहाँ पे भी सीखा इसने, वहाँ पे भी सीखा। अच्छा उस वाले पेड़ के पीछे भी टाइकोंडो करता था ये। सही है यार, सिंपल सॉर्टेड था सब। बहुत सीखा इसने बचपन में। शूटिंग कंप्लीट।